हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास 7 चैप्टर 1 द नंबर सिस्टम। दिस इज लेक्चर 10 ऑफ चैप्टर 1। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ वी विल कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू द ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। नाउ सेम नंबर आई हैव टेकन हियर 127। दिस नंबर इज अ डेसिमल नंबर एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन ऑक्टल। तो सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई हियर। वी विल डिवाइड 127 बाई 8। तो 8 वन ज़ा 8 एंड देन 8 फाइव ज़ा 40। यू विल गेट द रिमाइंडर 7। तो यू विल नोट डाउन द रिमाइंडर इन द राइट साइड ऑफ द कोसेंट। नाउ 15 इज डिविजिबल बाय द 8, सो वी विल अगेन डिवाइड 15 बाई 8। तो यू विल गेट हियर 1, दिस इज द कोसेंट एंड द रिमाइंडर विल बी 7। इट मीन्स वी विल डू द डिविजन अंटिल वी आर नॉट गेटिंग द 0 और 1। तो हियर फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड वी विल राइट द डिजिट्स। तो हियर वी विल गेट 177। इट मीन्स द 127 विल बी इक्विवेलेंट टू द 177 और 177 ऑफ ऑक्टल नंबर। इन सेम वे वी विल कन्वर्ट 127 टू हेक्साडेसिमल। दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 16, देन 7 टाइम्स इट विल गो। द कोसेंट विल बी हियर एंड रिमाइंडर विल बी हियर। तो कोसेंट विल बी 7 एंड रिमाइंडर विल बी 15। तो यू विल नोट डाउन फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऑल द डिजिट्स। तो 15 विल बी इक्विवेलेंट टू द एफ इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो वी विल राइट लाइक दिस, 7F, मीन्स एफ विल बी इक्विवेलेंट टू द 15। तो 127 डेसिमल नंबर will be equivalent to the 7F in the hexadecimal number. Now we will do some activity. For example, we are having a decimal number 84.625 and we have to convert into its binary equivalent. So to convert in binary equivalent, firstly we will understand that how we will convert with point. So before point, this part is called integer part, and after point, it is called fractional part. So separately, we will convert into the binary integer part and fractional part. In next lecture, I will tell you how we will convert both parts separately.